हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। सो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है ऑफिस से, और पिछले कल आपने देखा होगा मेरा व्लॉग नहीं आया। उसके ना दो तीन रीजंस है। फर्स्ट रीजन ये, तबियत खराब थी, बुखार बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ था, पूरे दिन कुछ शूट नहीं किया, उठने की कोशिश की बट उठ नहीं पा रहा था, और रात को मैं जिम भी नहीं गया, पता है जिम भी अवॉइड किया मैंने, मतलब नहीं जा पाया यार, बहुत बुखार था, हेडेक हो रहा था, फर्स्ट ये रीजन था। और दूसरा रीजन ये था, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, पता नहीं यार फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ गई थी मेरी ना, दिन भर होता नहीं माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही थी कि यार व्लॉग करना है, क्या बनाऊंगा, क्या करना है, व्लॉग डाउन जा रहे हैं, लोगों के इतने नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत कुछ होता है, मैसेजेस आ रहे हैं, और काफी लोग तो जो मेरे आपको याद है एक रोड रेज हुई थी मेरी उससे रिगार्डिंग ना, उस वीडियो में फिर से कमेंट कर रहे हैं, फिर मैसेजेस कर रहे हैं वहां पे मेरे को कि भाई तूने पैसे ले लिए, तूने ये किया वो किया, तो उस चीज से रिलेटेड भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। काफी लोग बोले तूने पैसे ले लिए, तूने ऐसा किया, उस केस का क्या हुआ, तो वो चीजें मैं आपको प्रॉपर्ली बताने वाला हूँ एक वीडियो में, ठीक है। बाकी आज की सीरीज ऐसे कहाँ जाने वाला हूँ, वीडियो एंड तक देखो पता चल जाएगा, और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, करते हैं आज के ब्यूटीफुल सर एडवेंचरस डे की शुरुआत, लेट्स गो। बाहर के हाल कुछ इस तरह के है ना, बारिश पड़ रही है बहुत तेज, ठीक है, टूरिस्ट आप देख सकते हो काफी आ रहे हैं, लेकिन ये देखो टू व्हीलर में भाई बाइक पर गीला हो गया, गाड़ी में मैं आ गया हूँ, ठीक है। बाकी ना आपको ये दिख रहा है, ये है मेरा फ्लोइंग मैट्रेस और ये इसका पंप, और आपके भाई का ना आज कुछ एक्सट्रीम प्लान था, क्योंकि पिछले कल बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया, मतलब अब तो कुछ करना है भाई, तो आज एक्सट्रीम प्लान ये था, कैंपिंग, सोलो कैंपिंग में मैं निकल रहा था गाड़ी में, इसलिए फ्लोइंग मैट्रेस सब कुछ मैंने रखा हुआ था, फ्लोइंग मैट्रेस या एयर मैट्रेस बोलते हैं इसको, ठीक है। लेकिन बारिश इतनी तेज पड़ रही है ना, रिस्क है इसमें बहुत ज्यादा, ट्राई करूंगा मैं करूं, अगर नहीं कर पाया तो कल चलेंगे, मौसम अगर साफ होता है, मौसम देख सकते हो बाहर ना कंटिन्यूअसली बारिश लगी हुई है, मनाली में ना इसने बारिश ने दिमाग खराब कर दिया, बुरे हाल चल, ऐसे इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि माउंटेन्स में आपको पता है ना रिस्क हो जाता है बहुत ज्यादा, इतनी बारिश में ना माउंटेन्स में सच में रिस्क हो जाता है, क्योंकि बारिश पड़ रही है, ठीक है, मिट्टी वगैरह जो साइड में होती है ना वो पूरी गीली हो जाती है, और अगर कोई पत्थर वगैरह होगा कुछ भी होगा ना वो ग्रिप छोड़ देता है, और वैसे लैंडस्लाइड होनी स्टार्ट हो जाती है, पत्थर वगैरह गिरते हैं, तो रिस्क बहुत ज्यादा है, ऐसे इसमें बच के रहना चाहिए। चलो हम लोगों का तो यार कंटेंट बनाना है, रोज का काम है, निकलना पड़ता है, लेकिन ऐसे फालतू में निकलना नहीं चाहिए ऐसे मौसम में बाहर, पता है यार। वैसे ना प्लान था हमारा कहीं एक्सट्रीम सी जगह जाने का, लेकिन बारिश दिख रही है, अभी मैं बारिश में खड़ा हूँ, और बीच को लेके हम लोग निकल रहे थे, बारिश बुरे हाल से पड़ रही है, ऊपर मौसम देखो पूरा पैक, और अभी मैंने कॉल किया था सिसु जाने दे रहे, बोला पता नहीं लैंडस्लाइड हुई आगे की क्या हुआ है, रोक दिया है उस वजह से। एक्चुअली हम लोग ना कुछ एक्सट्रीम करने का प्लान कर रहे हैं पिछले चार दिन से लेकर, लेकिन बारिश साथ नहीं दे रही, उसके लिए ना मौसम सही चाहिए, मैंने आपको बोला ना माउंटेन्स में अगर बारिश पड़े बहुत रिस्क हो जाता है, और रिस्क हम लेना नहीं चाहते, ठीक है। इसीलिए अभी की सीन ये है, ऊपर का प्लान कैंसिल कर दिया हम लोगों ने, और यहाँ से मैं निकलने वाला हूँ ऑफिस, ऑफिस में एक दो काम है वो करते हैं, तो मौसम खराब है ना सारा काम खराब कर देती है, क्या बोलते हो बट भाई, और बट भाई को फेंकना मेरे को नीचे साफ करो पहले, दिखता नहीं कुछ, कपड़ा दो ना हाथ ही काफी हमारे। काफी देर से लेके मैं लाइव चला हुआ था, वैसे प्लान करके चला था कि मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा ना मैं 10 मिनट लाइव आने वाला हूँ, लेकिन 35 मिनट्स कब हो गए ना पता ही नहीं चला, मतलब आप लोगों के साथ बातें करते करते एक तो कमेंट्स इतने आते हैं उनको रिप्लाई करता रहूं, टाइम का नहीं पता चलता, मैं तो एक घंटा और लाइव चला जाता, लेकिन 35 मिनट्स हो गए, मैंने कहा बहुत टाइम हो गया, इसे लाइव एंड कर दिया। और सुबह से लेके आपको दिखा रहा था ना मैं, मौसम खराब है, बारिश पड़ रही थी, और अभी फाइनली धूप आ गई है, ये देख रहे हो ये मनाली का वेदर है, कुछ नहीं पता होता, देखो ना सामने आप देख सकते हो मौसम कुछ इस तरह का हो गया है, ठीक है, धूप आ गई है, और इस टाइम पे ना ड्रोन शॉट्स आते हैं बहुत क्रेजी वाले, तो जल्दी से काम करते हैं, घर चलते हैं और ड्रोन शॉट लेते हैं। घर पहुंच गया हूं मैं अभी ना, बाकी आपको दिख रहा है इतना बढ़िया मौसम हो गया, धूप निकल गई है ऊपर, ये देखो बादल वगैरह सब कुछ ना क्रेजी, तो मैंने कहा क्यों ना ड्रोन शॉट दिखाते हैं आपको, ऐसे इसमें पता क्या होता है रेनबो भी निकल सकता है, किस्मत अच्छी हुई रेनबो भी कैप्चर हो जाएगा, तो इसके बाद ना डायरेक्ट ड्रोन शॉट एंजॉय करो। We'll be right back.
गाइज आई होप आप लोगों को ना ड्रोन शॉट पसंद आए होंगे। अगर पसंद आया ना भाई कमेंट में जरूर बताना, मेरे को तो अच्छे लगे ड्रोन शॉट। और आपको पता है क्या, इसमें ना ड्रोन में सेटिंग्स थी कुछ करने को, मैंने सेटिंग की। पहले अजीब से ड्रोन शॉट्स आते थे, सेटिंग नहीं थी बिल्कुल भी। आज बैठ के आराम से सेटिंग की मैंने और फिर ड्रोन शॉट्स किए। वेदर अच्छा हो गया था लेकिन फिर से खराब हो गया। आपने एंडिंग वाली क्लिप्स में देखा होगा जो क्लाउड्स नीचे नीचे आ रहे थे, फिर से खराब हो गया। रेनबो तो दूर की बात है, मैं सोच के चला था धूप है, मौसम खराब है, बारिश पड़ी हुई थी, रेनबो निकलेगा, बट फिर से वेदर खराब हो गया। वो ना सिर्फ आधे घंटे के लिए धूप आई थी, फिर चली गई। अभी ना मैं जा रहा हूँ अबीरा को लेने के लिए उसके घर नीचे, मतलब नानी के घर लाना उसको, ठीक है। धूप भी आ गई, मौसम देखो बढ़िया धूप आ गई। मतलब देखो ये हमारा घर, साथ में उनका घर, 100 मीटर का फर्क है सिर्फ। चलते अबीरा को घर लेके चलते ऊपर। ऐसे मौसम जब खराब होता है ना उस टाइम नहीं ले जा सकते, ठंड काफी होती है। अब धूप निकल गई तो ले जा सकते हैं, ऊपर ले जाते हैं, फिल्म लाते हैं आपको भी अबीरा से। क्यूट हुई आजकल बहुत ज्यादा आपको पता है, और बड़ी होती जा रही है ना हरकतें उसकी, बढ़ती जा रही है, शैतान होती जा रही है। अबीरा हेलो, हाय अबीरा, स्माइल देख रहे हो अबीरा, हाय मुशी, हाउ आर यू मुशी, गिव मी हाई फाइव, हाई फाइव अबीरा, हाई फाइव रुको देखना, हाई फाइव अबीरा, मामू हाई फाइव, देख लो शैतान कैसी हो रही है, बड़ी होती जा रही है। सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अबीरा को व्लॉग में लाओ, बोला है अबीरा, बच्चे को शैतान, अबीरा सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं अबीरा को व्लॉग में लाओ, अबीरा सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपको व्लॉग में लाओ। लो ले आया मैं, चलो आ जाओ आ जाओ। अबीरा आ गई है मामू के पास। अबीरा तू बड़ा हो रहा है, आप देख रहे हो, आप नोटिस आप लोग भी कर रहे होंगे ये चीज़ की। अब ये जैसे कुछ बोलो ना रिएक्शन देना स्टार्ट कर देती है, स्माइल देना। अभी ना मिश्को की बेबी देखने, मिश्को की बेबी देखोगे आप, हैं रिएक्शन देना स्टार्ट करती है अभी। हाँ जी स्माइल देखो, यस से हाय, से हाय एवरीवन, से हाय एवरीवन, हाय। तो गाइस काफी रिक्वेस्ट आई मेरे को मिश्का की बेबीज दिखाओ, तो फाइनली ये रहे बेबीज। और एक ये देखो व्हाइट कलर का भी हुआ है, और ये सारे बेबीज है। हेलो, एक्चुअली सारा फादर का कलर आया हुआ है ना, बट जरूरी नहीं, जैसे आप कई लोग सोचेंगे व्हाइट क्यों आया, निकल जाते हैं। लास्ट टाइम ब्राउन भी आ गया था एक, पता है, जबकि मेल मेल दोनों ब्लैक एंड व्हाइट थे, ब्राउन आ गया था एक। तो अगर किसी को भी ना कोई बेबी चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रहा हूँ, कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और वैसे भी 25 डेज के होने वाले हैं, अराउंड 22-23 डेज के अभी हुए हैं ना, तो जैसे ही 1 मंथ के हो जाएंगे मैं देना स्टार्ट कर दूंगा। तो किसी को भी अगर चाहिए होंगे ना तो आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रहा हूँ मैं। अगर डिस्क्रिप्शन में नंबर नहीं दिया ना तो आप एक काम कर सकते हो, जिसको भी बेबीज चाहिए ना आप एक काम कर सकते हो, गाय फ्रॉम नाली बिजनेस में मैसेज कर लो, वहां पे बात कर लूंगा, ले जा सकते हो आप। फिर अराउंड 10 दिन के बाद देना स्टार्ट कर दूंगा मैं। यार एक्चुअली इनको मैंने अभी अपने रूम में ला के 2 मिनट के लिए रखा है ताकि आप लोगों को दिखा सकूं, बाकी अभी मिश्का गई है घूमने के लिए और इनको ले जाके इनके घर पे रख देता हूं। अभी काफी देर से लेके मैं घर पे ही था, ठीक है, उस टाइम अबीरा के साथ खेलते खेलते इतना टाइम का पता ही नहीं चला। और अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से जिम को, रेस्ट कर लिया तो थोड़ा सा मैंने, क्योंकि जिम जाने से पहले थोड़ा जरूरी भी होता है। जिम निकलते हैं, बॉडी बॉडी बना के आते हैं, और आज भी बाइक में जाने वाला हूँ। मौसम हो चुका है साफ, पूरा नीला आसमान। और आपको पता है कि दिन में मौसम बहुत खराब था ना, अभी तो स्टार्स निकल गया, मतलब कोई बोल भी नहीं सकता दिन भर मौसम खराब था और इतनी बारिश पड़ रही थी। और शौर्य नहीं आ रहा आज भी, उसको काम है घर में, पता है मैनेजर लगा उन्होंने बाइक वहाँ पे, तो चेक इन हो रहे हैं और डिनर वगैरह करवाना, कहता आप निकलो टाइम लगेगा तो मैं आऊंगा, बाकी हम लोग चलते हैं, हम लोग तो बॉडी बनाएंगे, ऐसी बात नहीं। पिछले कुल मिस हो गया ना, आज मिस नहीं करना है, चलिए फिर चलते हैं। जिम हो चुके, फाइनली मजा आ गया आज यार। आज ना आपके भाई ने लगाया शोल्डर और बाइसेप, डबल एक्सरसाइज कर रहा हूँ मैं, क्योंकि काफी दिन हो गए, वार्म अप मेरा हो चुका है, बॉडी पूरी तरह से खुल गई। और बाकी काम करते हैं, थक गए काफी ज्यादा, जल्दी से घर निकलते हैं और घर पे मिलते हैं आपको। व्लॉग यहाँ पे एंड नहीं कर रहा हूँ, घर पे जाके एंड करने वाला हूँ। और आपको पता है कि पिछले कल बुखार चढ़ने का रीजन क्या था, परसों जिम की पतली सी हुडी लगाई हुई थी मैंने और बाइक में चला गया, वो ठंड लग गई, इसलिए देख रहे हो आज मोटी जैकेट लगा के चला हुआ, मेरे को पता नहीं था इतनी ठंड होगी, अदरवाइज तो मैं प्रिकॉशन के साथ चलता। तो गाइस घर पहुंच गया हूं मैं, ठीक है। बाकी व्लॉग में अभी एडिट करने वाला हूं, क्योंकि कल सुबह थोड़ा सा काम है मेरे को, वो करना है मेरे को, व्लॉग अभी एडिट करके रखता हूं, कल टाइम नहीं लगने वाला है। बाकी आई होप आज की वीडियो आप लोगों को मजा आया होगा, अगर मजा आया ना भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और इस चैनल को ना 100K का टारगेट जो है पूरा करवाओ यार, जल्दी से पूरा कराओ, बहुत टाइम लग गया है। बाकी एक काम करते हैं, व्लॉग को यहीं पे एंड करने वाले और मिलते हैं कल के एक फ्रेश व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट गाइस। Minimum, minimum sloth, minimum, minimum stress. That's your best, classic dress.